हाजी साहब वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन, कैसे आप लोग। देखिए आज का जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ कुछ कार्स के बारे में जो सिटी यूसेज के अंदर आपकी लाइफ आसान बना देंगे। देखिए शहर में आप जानते हैं हसल बसल, ट्रैफिक जैम्स रहते हैं, स्पीड लिमिट्स कम रहती हैं, लोग चाहते हैं भाई ऐसी कार मिल जाए जिसका स्टीयरिंग लाइट हो, मेरा लेफ्ट फुट रिलैक्स हो, जो ऐसी कार हो जो फ्यूल एफिशिएंट हो, जिसका इंजन भी साइलेंट रहे, फीचर्स अच्छे हो, चीप ना लगे और मेरा ओवरऑल मुझे परेशानी ना हो, ये कार को मैं जब भी निकालना चाहूँ निकाल लूँ, कैमरा हो या टर्निंग के हिसाब से, वो कार्स कौन सी है। तो बस इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन्हीं कार्स के बारे में। पहली कार जो आपकी लिस्ट पे हो सकती है वो सर्टेनली है हुंडई इंडिया की ग्रैंड i10 नियोस AMT। सर ये जान लीजिए AMT इन हैचबैक, अगर आप में से बेस्ट कार पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ AMT कैलिब्रेशन तो वो सर्टेनली है हुंडई इंडिया की ग्रैंड i10 नियोस AMT। AMT समटाइम आपको ऐसा महसूस होगा दैट यू आर ड्राइविंग लाइक अ प्रॉपर ऑटोमेटिक कार। इट इज सो स्मूथ एट अ टाइम कि कई बार आपको जग महसूस ही नहीं होते हैं AMT के अंदर, जो उसके अंदर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको ऐसा लगेगा आप दैट यू आर ड्राइविंग लाइक अ टॉक कन्वर्टर और लाइक अ CVT एट सम मोमेंट ऑफ टाइम। स्टीयरिंग लाइट है, टर्निंग रेडियस छोटी है, विजिबिलिटी अच्छी है, फीचर्स सारे मिल जाते हैं, तीन ट्रिम्स में आती है, मैग्ना में, स्पोर्ट्स में, आस्टा में। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7.27 लाख से, गोज अप टू 8.5 लाख रुपीज। सस्पेंशन कंफर्ट साइड पे है सिटी के अंदर एंड ट्रस्ट मी आपको इस कार का जो 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन की जो नॉइस वाइब्रेशन जो रिफाइनमेंट है वो आपको बेस्ट इन क्लास मिलेगी, बॉस बेस्ट इन क्लास मिलेगी। तो अब इस कार में बिल्ड क्वालिटी के साथ जान लीजिए, बिल्ड तो जो है वो 2 स्टार रेटिंग आई है, लेकिन कार में इंप्रूव सेफ्टी आ गई है, 4 एयरबैग्स है, ESP है। तो कंट्रोल स्पीड के हिसाब से शहर में कार चलाएंगे, आई थिंक यू गोइंग टू लव इन द एक्सपीरियंस ऑफ Hyundai ग्रैंड i10 नियोस AMT। जो सेकेंड कार आप देख सकते हैं वो है अपकमिंग कार विच इज ड्यू फॉर लॉन्च द इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ MG कॉमेट EV। अब कॉमेट के बारे में जान लीजिए कुछ फैक्ट्स। पहली बात, दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट पैसेंजर कार ऑफ द इंडियन मार्केट। कार की जो लंबाई है वो केवल आपको मिलेगी 3 मीटर की, और इस 3 मीटर की कार की जो टर्निंग रेडियस है बॉस वो होगी स्मॉलेस्ट एट 4.2 मीटर। तो कार आप शहर में, कई लोगों को आती है समस्या पार्किंग के हिसाब से, भीड़ भड़ा के इलाके में कैसे कार पार्क करूं, कैसे कार इस कम दायरे में घुमाऊं, तो वो लाइफ आपकी आसान हो जाएगी MG कॉमेट EV के अंदर। और डिस्पाइट बीन अ स्मॉल कार, कार में फीचर्स की कोई कमी नहीं है। प्रीमियम इंटीरियर्स आप देख सकते हैं, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और इंग्रेस और एग्रेस आप देख सकते हैं चढ़ना उतरने के हिसाब से। स्मॉल कार है, इजी टू ड्राइव है, ईवी है, रनिंग कॉस्ट कम आएगी एंड सर्टेनली फॉर द पीपल जिनकी यूसेज सिटी में है। सपोज आप एज अ टीचर काम करते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपकी जॉब ऐसी है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए, आप अपनी डॉटर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटर हाफ के लिए दूसरी कार देना चाहते हैं, या कार विच यू कैन यूज़ फॉर द लोकल यूसेज, कि कहीं भी आप जैसे दिल्ली की बात करो, प्राइम दिल्ली रहते हैं, तो आपको MG कॉमेट EV उस नीड के हिसाब से पसंद आएगी। तो इस कार को आप देख सकते हैं, लाइकली प्राइसिंग होगी 8 to 10 लाख के बीच में। जो तीसरी कार आप देख सकते हैं वो है होंडा कार्स इंडिया की अमेज CVT। अब अमेज CVT के बारे में जान लीजिए बॉस, ये कार तो एक्चुअली बनी ही उस पर्पस के लिए है अगर आपकी यूसेज सिटी के अंदर है। अमेज CVT का स्टीयरिंग लाइट है, टर्निंग रेडियस छोटा है अराउंड 4.7 मीटर के आसपास, और ये कार के अंदर जान लीजिए जो CVT ट्रांसमिशन होता है उसकी जो स्मूथनेस है, जो होंडा का 4 सिलेंडर का इंजन है, ये कार को आप शहर के अंदर बिल्कुल स्मूथली कन्वीनियंटली रिलैक्स वे में ड्राइव और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फीचर्स की कमी नहीं है, होंडा के 2 वेरिएंट्स आते हैं हमें इसमें, SCVT एंड VX CVT। प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 8.5 लाख रुपीज़ गोज टू 9.6 लाख रुपीज़। एग्जैक्ट प्राइस आप www.mycarhelpline.com में चेक कर सकते हैं। अच्छे फीचर्स मिलेंगे और स्पेस के हिसाब से जान लीजिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरी कार में स्पेस भी अच्छी हो, रियर सीट में लेगरूम अच्छा हो, बूट स्पेस बड़ी हो, तो भी होंडा में CVT आप कंसिडर कर सकते हैं। सपोज आपके मन में है कि 90% यूसेज सिटी में है लेकिन 10% मैं हाईवेज में या वैकेशन पर जाऊँगा, तो भी आप अमेज CVT कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तीसरी कार है जिसे आपको पसंद आनी चाहिए। जो चौथी कार है बॉस, टाटा मोटर्स भी टियागो EV को इंडियन मार्केट में लेके आ चुका है। टियागो EV इज डूइंग फेयरली गुड। इस कार के अंदर आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, रेगुलर रेंज और एक एक्सटेंडेड लॉन्ग
आपको रेंज मिलेगी। XT वेरिएंट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो प्राइस है 9.2 लाख रुपीज़ का डिपेंडिंग ऑन द एवरेज यूसेज, या 10.2 लाख रुपीज़ का फॉर द लॉन्ग रेंज वर्जन। ऑल नेसेसरी आपको फीचर्स मिलेंगे। ईवी कार्स में अच्छी बात यह होती है कि पावर की कोई कमी नहीं होती है। आपको टाटा टियागो ईवी में जान लीजिए कि टाटा मोटर्स की जो ईवी कार्स में पकड़ है वो बहुत बहुत मजबूत हो गई है। उनका जो न्यू जेन सेकंड आर्किटेक्चर है, जेन 2 आर्किटेक्चर, वो भी 2025 में आने वाला है। तो वो एक्चुअली जब 2025 में का जेन 2 आर्किटेक्चर आ जाएगा, कंपनीज तो अभी जेन उनके फेस वन जनरेशन वन आर्किटेक्चर वो ला रही है। बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है, रनिंग कॉस्ट भी 1 रुपये किलोमीटर से आपकी कम आएगी। और ये कार आप देख सकते हैं ऑफरिंग यू अ डिसेंट एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ टाटा टियागो ईवी। जो पांचवी कार आपकी निगाह पे हो सकती है बॉस, वो है मैनुअल ट्रांसमिशन में। अगर आपके मन में नहीं है कि ईवी पे जाना बिकॉज ऑफ सम रीजन ऑन द चार्जिंग, कि आपको कुछ आपके मन में आ रहा है कि भाई मेरी यूसेज फिर भी सिटी के अलावा बाहर भी हो सकती है, आपके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ऑटोमेटिक पे जाऊँ बिकॉज ऑफ प्राइस पॉइंट, जो भी आपके मन में है और आप चाहते हैं मैनुअल का मजा लेना, तो मैं सच कहता हूँ एवरग्रीन कार मारुति सुजुकी स्विफ्ट, आप इसके अलावा कुछ मत देखिए। स्विफ्ट आज भी एवरग्रीन है, बट आप VX लीजिए, ZX लीजिए, जो 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो इसका स्टीयरिंग है चंकी, जो इसका टर्निंग रेडियस है, जो इसकी हैंडलिंग है, जो इसके डायनामिक्स है, और जो इसमें फीचर्स आते हैं VXi में ऑल नेसेसरी फीचर्स आते हैं, ZXi में भी आपको टस्किन अवेलेबल हो गया है, कैमरा आप डीलर से फिट करवा सकते हैं, और सर्टेनली एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे जिसमें 6.95 लाख में VXi और 7.63 लाख में ZXi, आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट टू बी द एवरग्रीन कार। रीसेल में चिंता नहीं है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस में चिंता नहीं है, प्रूवन कार है, चलाने में अच्छी है, सिटी यूसेज में स्मूथ है, रिफाइंड है, और आपको मैं सच बता रहा हूँ यू वुड एक्चुअली लव इन दिस कार। ये नहीं सोचिए कि आप स्विफ्ट पुरानी हो गई है, स्विफ्ट स्विफ्ट है बॉस, तो स्विफ्टली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। तो ये वो 5 कार्स है जो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में है मैं पेट्रोल नहीं लेना चाहता, मैं ईवी नहीं लेना चाहता, यू वांट टू गो फॉर सीएनजी, इन दैट केस यू कैन ऑफ फॉर मारुति सीएनजी कार्स या टाटा मोटर्स की अब जो अपकमिंग सीएनजी आएगी जिसमें आपको ड्यूल सिलेंडर सेटअप मिलेगा, वो कार जब चलाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन मारुति की जो SCNG है वो जान लीजिए बहुत ही रिलायबल है। तो पीस ऑफ माइंड ओनरशिप के हिसाब से, सिटी यूसेज में कंट्रोल स्पीड रहती है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, तो मारुति सुजुकी की SCNG आप देख सकते हैं इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर SCNG के हिसाब से। तो ये वो कार्स थी जो मेरे हिसाब से सिटी यूसेज में आपको अच्छा एक्सपीरियंस ऑफर कर सकती हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। कोई कन्फ्यूजन है, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, 1-to-1 एडवाइस चाहिए, तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं, गेट एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन एनी कार यू आर कंसिडरिंग। कुछ भी आपको डाउट्स है तो माइकर हेल्पलाइन फोरम में आइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इन केस यस सपोर्ट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माइकर हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।